बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिकमत 892 टीवी चैनल। हकीम मास्टर मोहम्मद इस्लाम मलिक एक नए नुस्खे के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का नुस्खा दर्द कमर, मोहरों का दर्द, जिस्मानी दर्द, इसके मुतलक है। लेकिन नुस्खा शुरू करने से पहले मेरे तमाम मुसलमान भाई, इनसे अर्ज़ है कि जो मेरे भाई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, खुदारा ज़िंदगी मुख्तसर है, नमाज खुद भी सीखें, खुद पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, सब दोस्तों को नमाज पढ़ने की ताकीद करें। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। ज़िंदगी की कदर करें, नमाज पाबंदी से अदा किया करें, और जो वक्त मिले, जितना भी वक्त मिले, इसके अलावा तो दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। इससे आपकी गुनाह माफ़ होंगी, आपके दर्जात बुलंद होंगे, और दर्जात बुलंद होंगे इसके साथ साथ नेकियाँ अल्लाह पाक आपको देगा, नेकियों में इजाफा होगा। दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। अगर किसी के कमर में दर्द हो, मोहरों में दर्द हो, या जिस्मानी दर्द हो, हड्डियों में, पट्ठों में दर्द रहता हो, हज़ारहा इलाज करवा चुके हों लेकिन फ़ायदा ना हुआ हो, तो वो मेरा दोस्त इस नुस्खे को एक बार ज़रूर बनाए और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर शिफा होगी। असगंध नागौरी 50 ग्राम, बखड़ा जिसको गोखरू भी कहते हैं, दो किस्म का होता है, एक कलाँ एक खुर्द, तो आपने गोखरू खुर्द इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। सुरनजान शेरी 50 ग्राम, सूंठ यानी कि जंजबील सूखी हुई अदरक है ये 50 ग्राम, और काली मिर्च 25 ग्राम इस नुस्खे में शामिल है। तमाम चीज़ें आपको पंसार की दुकान पर बासानी मिल जाएंगी। सबका कूट पीस कर पाउडर तैयार कर लें, और 2 से 3 ग्राम इसकी खुराक है, और आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला हफ्ता दो हफ्ता इस्तेमाल करने से उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों इसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन फ़ायदा 2 हफ्ते के बाद ज़रूर होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी दुआ में दोस्तों याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।